नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार पंडित आपका स्वागत करता हूँ तुषार ब्लॉग विद यू में। आज अभी हम ललिता नगर कोलार रोड पर खड़े हुए हैं, सामने पेट्रोल पंप बना है और हम आज जा रहे हैं कोलार डैम। साथ में हमको अगर टाइम मिला तो हम वीरपुर जाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे राधापानी के जंगलों में। तो हमको जस्ट यहाँ से कुछ नहीं करना है, तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम ललिता नगर से 1.5 किलोमीटर आगे आ गए हैं, आपको सीधे सीधे जाना है। अभी देखना बीच में हमको पड़ेगा मदर टेरेसा स्कूल, और बीच में और प्लेसेस आएंगे तो मैं आपको बताते रहूँगा। जो कोलार डैम है ये यहाँ से 24 किलोमीटर है ललिता नगर से, और अगर आप नादरा बस स्टैंड से स्टार्ट करते हो तो 14 किलोमीटर और पड़ जाएगा, ठीक है। और अपन आप आगे अब राधा पानी के जंगल में से भी होते हुए जाएंगे, और अगर टाइम मिले तो वीरपुर चलेंगे। तो आप वहाँ से सीधे सीधे आओगे तो आपको अरालिया पड़ेगा राइट साइड में, अरालिया कमर्शियल विंडसोर का है ये। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ से, और लेफ्ट साइड में आपको होली क्रॉस स्कूल दिख जाएगी, वहाँ से आपको एकदम सीधे सीधे जाना है। श्री वाटिका मैरिज लॉन्च, उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में आएगी आपके सामने मदर टेरेसा स्कूल, वहां से फिर आपको सीधे जाना है अल्टीमेट इंग्लिश विला। अब हम यहाँ पर कच्ची खेड़ा पर पहुंच चुके हैं, कच्ची खेड़ा से आगे बढ़े हैं, देखिए आपके सामने जंगल आपको दिखाई दे रहा है। आपको यहाँ पर एक से एक ये दिख जाएंगे अच्छी अच्छी यहाँ पर बढ़िया आम की और गन्ने वगैरह। यहाँ पर आपको भैया लाल जी का ढाबा मिल जाएगा, आप चाहे तो यहाँ पे खाना वगैरह भी खा सकते हो नॉर्मल। और पास में जंगल भी बना हुआ है बहुत शानदार सा, देखिए तो दोस्तों यहाँ से राधा पानी का अभ्यारण्य स्टार्ट हो चुका है। आपको सामने हरा हरा पेड़ों से अच्छा दिख, और पास में ये पत्थर वगैरह भी पड़े हुए शानदार व्यू दिख रहा है। ऐसा एकदम सीरियस बाइक दिख रहा है कि वैसे तो आपको बड़ा कहाँ पड़ा है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ और यहाँ पर एक आदमी दिखा कैसे सो रहा है। तो हम यहाँ पे फाइनली रुक चुके हैं, देखिए इस तरीके का है ये अभ्यारण्य। ये मेन राधा पानी अभ्यारण्य नहीं है, स्टार्टिंग हुई है यहाँ से भी 1-2 किलोमीटर से, मेन अभी आगे आएगा, हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक नदी है जो बरसाती नदी कह सकते हैं इसको, अभी तो बड़ी पानी पड़ी थी, बरसात आती तभी पड़ती है। एक और नदी आ गई है, छोटी सी नदी है ये, जहाँ से आपको सीधे जाना होगा। देखिए दोस्तों, आप जब इस वाले रोड से चलोगे तो आपको बहुत स्लो चलना होगा, एकदम सावधानी पूर्वक चलना। देखिए आप खुद आपके सामने बाइक देखी होगी, उसने खुद अपने आप से स्लो कर ली थी स्पीड, ये बहुत दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है। देखिए दोस्तों, वापस से एक छोटा सा गाँव आ गया, और अभी आपके सामने जो एक पहाड़ दिखाई दे रहा था हम उसके राइट साइड में आ गए हैं। देखिए आपको लेफ्ट साइड में पहाड़ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे गाड़ी रोक दी है, आपको सामने दिखाई दे रहा होगा माँ बेतरवती बेतवा उद्गम तीर्थ, यही से बेतवा नदी का उद्गम तीर्थ है ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कभी हम यहाँ पे आएंगे तो मैं वापस से ब्लॉग बनाऊँगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपको मंदिर दिख रहा है, इसके पास से बना हुआ जल शुद्धिकरण संयंत्र, यही है कोलार का जल संयंत्र क्षेत्र। और श्री शिव मंदिर भी आपको बीच में पड़ेगा, तो आपको यहाँ से एकदम सीधे जाना होगा। और यहीं से झीरी का भी प्रवेश द्वार स्टार्ट हो चुका है, ये झीरी के जंगल के इलाके, और राधा पानी भी कहते हैं इसको, मेन तो राधा पानी है लेकिन बीच बीच में अलग अलग क्षेत्र को।
काफ़ी ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है हर टाइम। यहाँ पर आप चाहे तो फोटो भी खिंचवा सकते हो, बहुत शानदार व्यू आता है। जैसे ये चौकी है फॉरेस्ट वालों की, देखिए बहुत ही प्यारा रोड है, आपको यहाँ से बहुत ही आराम से जाना होगा, कभी भी कोई भी गाड़ी होती है। देखिए हम इस साइड लाइट होती है, आपको यहाँ पर पूरा जंगल जंगल। फिर से एक छोटी सी नदी आ गई है। तो दोस्तों देखिए आपने सारू मारू की गुफाएं सुना होगा, यहीं से रास्ता आता है सारू मारू की गुफाई का, चाहे तो आप जा सकते हो यहाँ से। रेहटी सलकनपुर का मार्ग भी यहाँ से आ सकता है, अगर आप चाहें तो यहाँ से भी आप सलकनपुर भी जा सकते हो। पिछले व्लॉग में मैंने बताया था आपको सलकनपुर कैसे जा रहे। तो दोस्तों हमने यहाँ पे गाड़ी रोक दी है, इसके बाद जस्ट हम कोलार डैम पहुँचेंगे, और ये जगह भी कोलार डैम ही कहलाती है वीरपुर की। अगर आपको कोलार की जाने के लिए अगर कोई भी अगर कुछ खाने वाने की चीज़ चाहिए बीच में, तो आप यहाँ से ले सकते हो। अब हम यहाँ से कोलार डैम पहुँचेंगे जस्ट। तो देखिए दोस्तों सामने से जो कार आ रही है उसके पीछे आपको जो दिखाई दे रहा पहाड़ जैसी जगह, वही है कोलार डैम ऊपर साइड का रास्ता। लेकिन अपन पहले यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं। आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है दाना बाबा स्थान वीरपुर डैम पर स्नान करना मना है, इस तरीके की जगह है। यहाँ से अपन अगर सीधे चलेंगे तो आपको यहाँ पे डैम का थोड़ा सा पानी होते हुए दिखेगा, वहाँ आप स्नान वगैरह कर सकते हो और रुक भी सकते हो थोड़ा। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से हमको सीधे सीधे जाना आधा किलोमीटर की दूरी पर। तो दोस्तों हमको यहाँ पे तो कोई बंदर वगैरह नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ से अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आप जैसे ही वहाँ से लेफ्ट मुड़ोगे तो आपको इस सड़क से जाना है, तो मैं यहाँ से थोड़ा आगे आ चुका हूँ। देखिए यहाँ पे एकदम प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अभी हम बैठे हुए हैं, खड़े हुए हैं, और यहाँ पे देखिए आपको सामने पानी दिखाई दे रहा था। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो ये कोलार डैम का जो आपको पहाड़ दिखाया था मैंने अभी, वहाँ से नीचे का रास्ता है ये, मतलब जहाँ से आपको गेट की तरफ से पानी नीचे जाते हैं वो दिखता है, वो वाला नहीं है लेकिन उसके पहले का है, वहाँ पे भी हम जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे थोड़ी स्मेल आ रही है। तो देखिए यहाँ पे ये गाय मरी हुई पड़ी हुई है, देखिए गाय या बैल क्या है, हो सकता है किसी जंगली जानवर का ये शिकार हो गई होगी, बड़ी स्मेल आ रही है यहाँ पे। फिर अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए अगर आप यहाँ से आगे बढ़ोगे तो यहाँ से जो पानी बह रहा है वहाँ पे आप नहा भी सकते हो नॉर्मली, बाकी यहाँ पे आप चाहो तो पिकनिक स्पॉट टाइप जगह है ये, मंदिर वगैरह है और खाना वगैरह भी आप खा सकते हो नॉर्मली। और बस अब हम यहाँ से अब हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ से इस रास्ते से वापस हम वापस आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए दोस्तों फिर अब हम यहाँ से वापस कोलार डैम की ओर चल रहे थे, हमको यहाँ से लेफ्ट साइड लेना है, देखिए वही वाला रास्ता आ गया है ये, तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे एक पार्क भी बना हुआ है, देखिए यहाँ पर वो देखिए आप सामने बंदर आपको दिखाई दे रहे होंगे, कईयों बंदर है यहाँ पर, ये देखिए आपको भागते हुए नजर आ रहे होंगे। देखिए दोस्तों आपको सामने बंदर दिखाई दे रहे होंगे, इस पार्क में बंदर भी रहते हैं। यहाँ पे हम थोड़ा दूर खड़े इस चक्कर में, ज़्यादा मैं कैप्चर नहीं कर पा रहा हूँ उनकी फ़ोटो, आप आओगे तो आपको यहाँ पे दिख जाएंगे कई बंदर, ये देखिए। ये देखिए दोस्तों आप और भी देख सकते हो बंदरों को, देखिए वो भागते हुए आ रहा है। तो देखिए दोस्तों पे कोलार परियोजना वीरपुर लिखा है, जल संसाधन विभाग मध्य प्रदेश, यहाँ से आपको लेफ्ट लेना होगा। तो हम देखिए एकदम कोलार डैम के एकदम नज़दीक आ चुके हैं, यहाँ से आपको घूम के ऊपर ही जाना है। तो आपको इस जंगल में बहुत सारे सागौन के वृक्ष दिख जाएंगे, ज़्यादातर यहाँ पे सागौन के वृक्ष ही है। यहाँ से हमको सीधे सीधे जाना है तो हम गार्डन ऊपर पहुँच जाएंगे, हमारे सामने एक गेट आएगा, वहाँ से हमको लेफ्ट साइड जाना है तो आपको कोलार डैम दिख जाएगा, तो आपको यहाँ से लेफ्ट लेना है। तो देखिए आपके सामने जो यहाँ पे पानी दिखाई दे रहा है यही है वो कोलार डैम, भोपाल की शान माना जाता है ये, भोपाल की आन बान और शान, भाई की आवाज़ है। तो देखिए वहाँ से जब पानी इकट्ठा होता है और ज़्यादा हो जाता है, सामने आपको गेट दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से दिख जाते हैं, वहाँ से छोड़ा जाता है पानी, यहाँ से इस साइड से सामने आपको देखिए पूरा ऊपर साइड से हम व्यू ले रहे हैं, राधा पानी का जंगल यहाँ दिखाई दे रहा है। हम यहाँ पर थोड़ा सा डरते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो देखिए दोस्तों आपको सामने यहाँ पे नदी ये तालाब के बीच में छोटे छोटे से जंगल टाइप दिख रहे होंगे, पहाड़ी क्षेत्र है वो, टापू है,
इस तरीके के बहुत अच्छे टापू है। जब पानी कम रहता है तो वहाँ पे जाया जा सकता है, लेकिन जब ज़्यादा होता है तो नहीं जा सकते। और आप यहाँ से देखिए नीचे साइड पूरा का पूरा आपको राधा पानी का जंगल दिखाई दे रहा होगा। बहुत ही शानदार व्यू आ रहा है यहाँ से। देखिए अभी आपको जो मैंने बताया था कि इस गेट से हमको राइट मुड़ना, ये वही जगह है। देखिए आपको बहुत ही शानदार दिख रही होगी यहाँ से। इसको ही वीरपुर का जंगल भी कहते हैं। जो आगे साइड दिख रहा है आपको, देखिए कितना जंगल, कितना घना है, आप खुद देख सकते हो। अगर हमें कोई ज़्यादा जानवर वगैरह नहीं दिखे, फिर बंदर वगैरह ही दिखे, लेकिन अगर आप इसके आगे जाते हो तो तेंदुआ वेंदुआ कुछ भी दिख सकता है। और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि मत जाइएगा आगे, दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है वो, जंगली जानवर से खतरा है। तो दोस्तों ज़्यादातर जो पानी है यहाँ पे अपने घर में जो भी आता है ये कोलार डैम से ही छोड़ा जाता है। आपको बीच में जो पाइप वगैरह दिखेंगे जब आप आओगे तो उन्हीं पानी से होते हुए हमारे घर में आता है। और यहाँ पे एक टनल भी बनी हुई है नीचे साइड, वो ज़मीन से 30 मीटर की गहराई में है, 30 फीट या 30 मीटर है, आप चेक कर लीजिएगा थोड़ा। तो वहाँ पर भी फिल्टर होता है पानी। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आपको मैं ले चलता हूँ गेट की ओर। तो देखिए दोस्तों हम कोलार डैम पर पहुँच चुके हैं एकदम नज़दीक में। यहाँ से जो पानी यहाँ पर भरा हुआ है, जब ये फूल होता है डैम, तो ये नीचे साइड आपको दिखाई दे रहा है पानी यहीं से निकलता है। और सामने देखिए गेट भी आ चुके हैं। अगर आप चाहते हैं और देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरीके के पूरे 8 गेट है यहाँ पर। जब पानी फुल हो जाता है यहाँ पे तो यहीं से छोड़ा जाता है। अभी खैर पानी कम है इसलिए यहाँ पे पूरा सूखा सूखा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन आगे पानी भरा हुआ है, यहीं से आता है। टाइम टाइम पर ये गेट खोले जाते हैं, वो तो यहाँ से फिर आगे बढ़ता है। इसी तरीके के सारे गेट हैं। तो अभी अभी हम अगस्त वगैरह में, अगस्त जुलाई अगस्त में आएंगे वापस से, तो सकता उस टाइम खोले। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसमें रस्सी वगैरह लगी है गेट में, इस तरीके से खुलते हैं ये। सामने आपको पहाड़ दिख रहा है, यहीं से पानी जाते हुए दिखाई देता है एकदम नज़दीक से देख रहे हैं हम। और आपको ये सामने एक रास्ता दिखाई दे रहा है, देखिए ऊपर साइड अगर आप जाओगे तो सीधे में आपको ये सलकनपुर ले जाएगा, लेकिन जो आपको सामने एक ये सा खम्बा टाइप दिखाई दे रहा है एंगल, वहाँ से आप लेफ्ट दिख जाओगे तो आपको वहाँ पे वीरपुर आएगा। वीरपुर नामक गांव है छोटा सा, जो आपको पीछे साइड जंगल दिखा था, मतलब जगह बहुत बड़ी है लेकिन हाँ कोई इतनी खास नहीं है, लेकिन अगर जंगल के तौर पर माने तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। देखिए दोस्तों कितना शानदार लग रहा है ये कोलार डैम का टापू टाइप क्षेत्र। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। देखिए दोस्तों हम यहाँ पे भी आप बंदरों को देख सकते हो, बहुत ही शानदार से बंदर यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहे हैं। पूरा जंगली क्षेत्र है इसलिए यहाँ पर भी आ जाते हैं कभी कभी। अब यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो आपको वीरपुर जाने का रास्ता मिल जाएगा, लेकिन कोई यहाँ पे जाता नहीं है। मैं आपको यही बताऊँगा कि प्लीज़ आप वहाँ पर मत जाइएगा, कोई मतलब नहीं है। वहाँ पर थोड़ा दुर्घटना प्रभावित क्षेत्र है, एकदम सुनसान रहता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है क्षेत्र में। यहाँ पे जाने का मना कर रहा हूँ, इसे मैं आपको ले चल रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए। बाकी इस क्षेत्र से अगर आप इस सड़क से जाओगे तो आपको कलकत्ता का रास्ता मिल जाएगा। देखिए कितना शानदार प्राकृतिक स्थान है, अभी राधा पानी। अब हम चलिए कोलार डैम को नीचे साइड से देख लेते हैं किस तरीके का दिखाई देता है। देखिए दोस्तों आपको सनसेट दिखाई दे रहा है और यहाँ से आप कोलार डैम के गेट देख सकते हो, इस ओर से पानी बहता है जब यहाँ से गेट शुरू हो जाता है। यहाँ पर आपको जो जंगल दिख रहा है, इस जंगल पर तेंदुए का और शेर वगैरह इस तरीके के जंगली जानवरों का निवास स्थान है। देखिए दोस्तों शायद ही कोई ऐसा वीडियो होगा जिसमें कोलार डैम को इस तरीके से अंदर के जंगल में पहुँच चुके हैं। जैसे वीरपुर आता है, एक 2 किलोमीटर की दूरी पर वीरपुर पहुँचा होगा, 2 किलोमीटर बस आता होगा। तो देखिए दोस्तों जो आपको ये जंगल का अभी क्षेत्र दिखाई दे रहा है राधा पानी का, इसी
क्षेत्र को वीरपुर का जंगल कहा जाता है। ये अंदर से बहुत गहरा है और देखिए आप अगर इस क्षेत्र में अगर अकेले आते हो तो आप पर कोई भी जंगली जानवर आक्रमण कर सकता है कभी भी। अभी हम तीन लोग आए हुए हैं इसलिए यहाँ पे रुके हुए हैं, लेकिन हम भी जल्दी से निकल ही जाएंगे यहाँ से। ये कोलार डैम के पास का क्षेत्र है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा आपको किस तरीके का लगा यारा वीडियो, और सब्सक्राइब करिएगा तुषार ब्लॉग्स विद यू को। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।